please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. सुप्रीम कोर्ट के जज रंजन गोगोई के मुताबिक अब न्यायपालिका में सुधार की नहीं बल्कि क्रांति की जरूरत है, जिससे न्यायपालिका आम लोगों की सेवा कर सके। तीसरे रामनाथ गोयनका लेक्चर में जस्टिस गोगोई ने कहा कि आज की जरूरत के हिसाब से न्यायपालिका को अधिक सक्रिय होकर सामने आना होगा। जस्टिस गोगोई के मुताबिक न्यायपालिका लोगों के लिए आखिरी उम्मीद होती है, इसलिए निष्पक्ष जज और शोर मचाने वाले पत्रकार लोकतंत्र की रक्षक के पहले सिपाही होते हैं। इसी साल 12 जनवरी को जस्टिस गोगोई के अलावा पूर्व जस्टिस जे चेमलेश्वर और जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस कुरियन जोसेफ ने अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खलबली मचा दी थी। उन्होंने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा पर केस देने में भेदभाव करने और कोर्ट की कार्यपालिका को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए थे। निडरता इनके पूरे वक्तव्य में झलक रही थी और इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें बोली हैं और उनमें सबसे ज़रूरी नींव की बात है बिल्कुल निडर और फोर्थराइट और स्पष्ट होना। इट इज वंडरफुल लेक्चर विच हैज रेफर टू क्रिटिकल इश्यूज विच द कंट्री इज फेसिंग टुडे एंड इट इज वेरी इंस्पायरिंग। गुजरात के वलसाड में तेज बहाव के बीच एनडीआरएफ के जवान कुछ लोगों को एक पुल पार कराने लगे। वलसाड समेत गुजरात के कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए, जिससे निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम को लगाया गया ताकि जल्द से जल्द बाढ़ में फंसे लोगों तक राहत पहुंचाई जा सके। वलसाड में भारी बारिश के बाद एक इलाके में नदी का पानी पुल के ऊपर से बहने लगा, जिसके बाद सड़क के एक किनारे पर फंसे कई लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने तेज बहाव के बीच पुल पार कराया। वही कमोबेश ऐसे ही हालात वलसाड के दूसरे हिस्सों में भी दिखाई दिए, जिसके बाद लोगों की मदद के लिए एनडीआरएफ की टीम को लगाया गया, जिसने एक रिहायशी इलाके में घुटनों तक पानी भर जाने के बाद वहां फंसे कई लोगों को सही सलामत सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। 25 लोगों को यहां स्थल से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया और बाकी लोगों को भी कहा जा रहा है आप लोग भी अपना सामान क्लोज कर लें। बारिश का असर वलसाड के अलावा नवसारी, वडोदरा और सूरत में भी दिखाई दिया, जहां बारिश की वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में वलसाड और नवसारी में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसे देखते हुए प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया। एक दिन के पटना दौरे पर गए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने डिनर के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से करीब 40 मिनट तक अकेले में बात की। सूत्र बताते हैं कि इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर भी बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक सीटों को लेकर बंटवारे को अभी कोई सहमति नहीं बनी है। अगर अगस्त के अंतिम सप्ताह में अमित शाह एक बार फिर बिहार आएंगे। बताया जा रहा है कि अगस्त महीने के अंतिम तक जेडीयू के साथ सीट बंटवारे पर अंतिम मोहर लगाई जाएगी। दरअसल जेडीयू की मांग है कि बिहार में नीतीश कुमार ही गठबंधन का चेहरा बने और जेडीयू को बीजेपी के मुकाबले ज्यादा सीटें मिले। दिल्ली के चांदनी चौक में राबिया गर्ल्स पब्लिक स्कूल के बाहर कुछ लड़कियां स्कूल के समर्थन में नारेबाजी करने लगी। ये सभी लड़कियां राबिया स्कूल की पुरानी छात्राएं थीं, जो स्कूल प्रबंधन पर बच्चों को बंधक बनाने के आरोप का विरोध करने पहुंची और स्कूल के बाहर खड़ी होकर स्कूल के समर्थन में नारेबाजी करने लगी। प्रदर्शन कर रही छात्राओं ने स्कूल पर लग रहे आरोपों को गलत बताया। हमारा एक्टिविटी रूम एक खेताना नहीं है, वो एक एक्टिविटी रूम है जहाँ पर टॉयज हैं, जहाँ म्यूजिक टीचर्स हैं। स्कूल के बाहर हो रहे प्रदर्शन के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी राबिया स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने कुछ बच्चियों से बात की और फिर उनके माता पिता को बुलवाया। वहां पहुंचे बच्चों के परिजनों ने भी सीएम को पूरी घटना की जानकारी दी। 9:30 से कह रही है कि हम नीचे थे, पापा बेसमेंट में, मैडम ने खाना पीना कुछ नहीं दिया। इस दौरान परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने उनसे अपनी शिकायत लिखकर देने को कहा, साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा भी दिया। जिसके बाद स्कूल की प्रिंसिपल को भी वहां तलब किया गया और सीएम केजरीवाल बच्चियों के घर वालों के सामने ही उनसे सवाल जवाब करने लगे। अब बताइए कि क्यों बच्चों को यहां रखा था? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पेरेंट्स, बच्चों से थोड़ी होता है। नहीं, बच्चों को जब वो लेने आएंगे तो उनसे 1-to-1 बात। प्रिंसिपल की दलीलें सुनने के बाद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने बच्चियों को जबरन रोकने पर प्रिंसिपल को फटकार लगाई। जो भी इस पे कार्रवाई होगी कानूनी, वो तो हम लोग करेंगे, ठीक है। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, दिल्ली सरकार अपनी कार्रवाई करेगी, लेकिन फ्यूचर में इस किस्म की हरकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान वहां मौजूद परिजनों ने फीस जमा करने को लेकर स्कूल की ओर से जारी किया गया एक नोटिस भी सीएम को दिखाया।
साथ ही दावा किया कि उन्होंने स्कूल के आदेश के मुताबिक फीस जमा करा दी थी, लेकिन इसके बावजूद उनकी बच्चियों को कई घंटे तक स्कूल में बंधक बनाकर रखा गया। जिसे सुनने के बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने राबिया स्कूल की प्रिंसिपल को एक बार फिर सबके सामने फटकार लगा दी। बच्चों को रख के पेरेंट्स को मजबूर करेंगे मिलने के लिए, ये कौन से डायरेक्टिव में है जी आपका? सीएम और डिप्टी सीएम के सख्त रवैये को देखते हुए राबिया स्कूल की प्रिंसिपल ने फिर ऐसी गलती नहीं दोहराने का भरोसा दिया। भ्रष्टाचार के मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम आज लंदन से पाकिस्तान लौट रहे हैं। स्वदेश रवाना होने से पहले नवाज शरीफ ने कहा कि वो अपने वतन लौट रहे हैं और फिर चाहे जेल भेज दिया जाए या फिर फांसी चढ़ा दिया जाए। इस बीच पाकिस्तान सरकार ने उन्हें लाहौर पहुंचते ही गिरफ्तार करने की तैयारी कर रखी है। इस बीच नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के करीब 300 कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में ले लिया गया है। साथ ही पाकिस्तान के पीटीवी को भी नवाज शरीफ को नहीं दिखाने के निर्देश दिए गए हैं। पाकिस्तान का बेटा, मेरा बेटा कल अपने वतन जिसे उसने रोशन बनाया वापस आ रहा है ताकि मैं फिर से उसका माथा चूम सकूं। मुंबई में बारिश रुकने के बाद सड़कों पर भरा हुआ पानी तो हट गया, लेकिन गड्ढों ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी। मुंबई के कई इलाकों में सड़कों पर गहरे गड्ढों की वजह से बीएमसी एक बार फिर सवालों में घिर गई। जबकि भारी बारिश की मार झेल रहे मुंबई के लोग सड़कों पर गड्ढे होने की वजह से नाराज दिखे। सायन इलाके में जिस सड़क पर बीते दिनों लबालब पानी भरा था, वहां पानी हटने के बाद कई बड़े गड्ढे साफ नजर आए। सड़कों पर बने मुसीबत के इन गड्ढों को लेकर लोगों ने बीएमसी के खिलाफ नाराजगी जताई। गड्ढे में गिरने से वो आगे इंजर्ड होने का ज्यादा चांसेस रहता है, वो तकलीफ होती है। रास्ते में गड्ढे रहते तो उसमें पानी भर जाता है, बहुत सारा नुकसान हो जाता है। इसी तरह लोअर परेल रेलवे स्टेशन के पास के इलाके में बारिश का पानी जमा होने से सड़क पर कई जगह बड़े गड्ढे बन गए। दावा किया गया कि मानसून से पहले वहां सड़कों पर बने गड्ढों की मरम्मत की गई थी, लेकिन बारिश ने बीएमसी की कोशिशों पर पानी फेर दिया। मुंबई में मानसून के दौरान मुंबईकरों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। पहले हुई तेज बारिश के जलजमाव ने मारा और अब सड़कों पर हुए गड्ढे मार रहे हैं। वहीं मुंबई के पास कल्याण में एक बुजुर्ग महिला का पैर गड्ढे में फंसने से वो हादसे का शिकार हो गई। दावा किया गया कि गड्ढे में पैर फंसने के बाद जैसे ही बुजुर्ग महिला नीचे गिरी, तभी पीछे से आ रहे एक ट्रक ने उनको कुचल दिया, जिसे बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई। दावा किया गया कि सिर्फ कल्याण में ही खराब सड़कों की वजह से पिछले 1.5 महीने में 5 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य की देवेंद्र फडणवीस सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री एकनाथ शिंदे ने सड़कों पर बने गड्ढों की मरम्मत का भरोसा दिया। खड्ड्यांमुळे कोणाचाही जीव जाऊ नये याची देखील काळजी घेण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत आणि त्या संदर्भामध्ये काम सुरू आहे। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भरोसा जरूर दिया गया, लेकिन मुंबई के ज्यादातर इलाकों में हालात खराब ही रहे। ये देखिए, जिस तरह आप वो मोटरसाइकिल गए, इसके बाद ये टैक्सी आई, जब ये गड्ढों में ये गाड़ियां जाती है, बड़े बड़े छक्के लगते हैं, रफ्तार धीमी हो जाती है। गड्ढों की मुसीबत के साथ सड़कों पर खुले मैनहोल की वजह से भी लोगों में हादसों का डर साफ दिखाई दिया। यूपी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी का दावा है कि अयोध्या में राम मंदिर बनाने का रास्ता जल्द साफ होगा और खुद योगी आदित्यनाथ राम मंदिर के निर्माण का शिलान्यास करेंगे। अयोध्या में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की तरफ से नमाज का आयोजन किया गया था और इसी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचने मंत्री नारायण चौधरी ने ये दावा किया कि मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच जल्द ही इस मुद्दे का हल भी निकल आएगा। निश्चित रूप से हल निकलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है और ये आप नोट कर लीजिए, आदरणीय योगी जी के हाथों से ही मंदिर का शिलान्यास होगा। दिल्ली के कनॉट प्लेस को दुनिया की ऐसी जगहों की सूची में जगह मिली है जहां दफ्तर खोलना महंगा है। ये लिस्ट सीबीआरई नाम की एक एजेंसी ने तैयार की है, जिसमें दिल्ली के कनॉट प्लेस को 9वें नंबर पर रखा गया है। कनॉट प्लेस में दफ्तर का एक साल का किराया करीब 10,000 रुपये प्रति वर्ग फीट से भी ज्यादा है, यानी 500 वर्ग फीट जगह के लिए एक साल का किराया 50 लाख रुपये से ज्यादा देना होगा। इसी लिस्ट में मुंबई के बीकेसी यानी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स को 26वें नंबर पर रखा गया है। बीकेसी में दफ्तर खोलने के लिए करीब 6,500 रुपये प्रति वर्ग फुट सालाना किराया देना पड़ता है। तो मुंबई का नरिमल पॉइंट भी इस लिस्ट में जगह पाने में कामयाब हुआ है, जिसे 37वें पायदान पर रखा गया है, जहां दफ्तर खोलने के लिए 5,000 रुपये प्रति वर्ग फुट के हिसाब से ज़्यादा सालाना किराया देना पड़ता है। दुनिया के सबसे महंगे दफ्तर वाली इस लिस्ट में पहला नंबर हांगकांग सेंट्रल का है, जहां दफ्तर का सालाना किराया 20,000 रुपये प्रति वर्ग फुट से ज़्यादा है।
गुजरात में लगातार बारिश से कई इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। गुजरात के नवसारी में बारिश की वजह से सड़कें पानी में डूब गई हैं और कई इलाकों में तो पानी दुकानों में घुस गया है। नवसारी में अंबिका नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से जिले के कई गांवों से संपर्क टूट गया है। अगले 48 घंटों में मौसम विभाग ने गुजरात में भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिसकी वजह से लोगों की चिंता बढ़ गई है। केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने कोलकाता के एक स्कूल में यौन शोषण के मामले में कार्रवाई का आदेश दिया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कोलकाता के एक स्कूल में बच्चे के यौन शोषण के आरोपों को लेकर कोई गिरफ्तारी नहीं होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए पुलिस से इस मामले में तुरंत कार्रवाई करने को कहा। यूपी के बागपत जेल में हुई मुन्ना बजरंगी की हत्या के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से 13 गोलियां मारने की बात सामने आई। यूपी के हरदोई में नेशनल हाईवे पर दो ट्रकों की टक्कर के बाद उनमें लगी आग से एक ड्राइवर की जलकर मौत हो गई, जबकि चार लोग बुरी तरह झुलस गए। दिल्ली पुलिस ने किन्नर को एक आदमी की जबरन सर्जरी करवाकर किन्नर बनाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। असम में 48 घंटे में ट्रेन के शौचालय से दो महिलाओं के शव बरामद होने के मामले में उनकी रेप के बाद हत्या की आशंका जताई गई। खबर है कि बेंगलुरु में 10 जुलाई को इंडिगो एयरलाइंस के दो विमान टकराने से बाल बाल बच गए थे और इस मामले की जांच की जा रही। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से शारीरिक संबंधों का दावा करने वाली पोर्न स्टार स्टॉमी डेनियल्स को पुलिस ने एक क्लब में अश्लील हरकत करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उनके वकील ने गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बताया। दिल्ली पुलिस ने बुराड़ी केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद दावा किया कि सभी 11 लोगों ने खुदकुशी की थी और मामले में किसी तांत्रिक का हाथ नहीं है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में गरीब किसान को बैल न होने पर अपनी बेटी और बहू से खेत में हल चलवाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दहेज प्रथा रोकने के लिए सलाह दी कि वो शादी में हुए खर्चों की जानकारी सरकार को देने से जुड़ा एक नियम बनाए, ताकि दहेज के लेन देन और उसकी वजह से होने वाली हत्याओं पर रोक लगाई जा सके। ट्विटर ने संदेह के आधार पर बंद किए गए ट्विटर अकाउंट को अब दूसरों की फॉलोअर्स लिस्ट से भी हटाना शुरू कर दिया। अफगानिस्तान के उत्तर पश्चिम इलाके में बर्फ पिघलने के बाद जमीन खिसकने से 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों घर तबाह हो गए। गर्मी की छुट्टियों के बाद आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर सुनवाई शुरू होगी। इस मामले की सुनवाई 3 जजों की बेंच कर रही है, जहां पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से आज राजीव धवन बहस करेंगे। मुस्लिम पक्ष चाहता है कि पहले 5 जजों की बड़ी बेंच इस्माइल फारूकी केस में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की समीक्षा करे, जिसमें कहा गया था कि मस्जिद इस्लाम का अहम हिस्सा नहीं है और नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है। हालांकि मामले में यूपी सरकार के वकील का कहना है कि मुस्लिम पक्ष मामले को उलझाने की कोशिश कर रहा है। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2.77 एकड़ की इस विवादित जमीन को तीनों पक्षों में के बीच बांटने का आदेश दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। कोलंबिया में इंजीनियरों ने एक पुल को करीब 200 किलोग्राम विस्फोटक के धमाके से उड़ा दिया। इस साल की शुरुआत में हुए हादसे में इस पुल का एक हिस्सा टूट गया था, जिसके बाद इसे तोड़ने का फैसला किया गया और इसीलिए इस पर एक जबरदस्त धमाका किया गया, जिससे यह पुल भरभराकर गिर पड़ा। पुल को विस्फोट से उड़ाने के इस लम्हे को कई कैमरों की मदद से रिकॉर्ड किया गया। धमाके के बाद वहां पर दमकल की गाड़ियों की मदद से पानी की बौछार की गई, ताकि कोई विस्फोटक सुलगता हुआ न रह जाए। इस साल की शुरुआत में जब इस पुल को बनाया जा रहा था, तब इसका एक हिस्सा गिर पड़ा था, जिससे 10 मजदूरों की मौत हो गई थी। इसके बाद इस अधबने पुल को खतरनाक घोषित कर दिया गया था, इसीलिए इस पुल पर करीब 200 किलोग्राम विस्फोटक लगाकर इसे उड़ा दिया गया। दिल्ली के बुराड़ी में भीड़ ने चोरी के आरोप में एक आदमी की पीट पीट कर हत्या कर दी। आरोप है कि आदमी चोरी के इरादे से घर में घुसा था, जिसके बाद आसपास के लोगों ने उसे पकड़ लिया और पीटना शुरू कर दिया। हालांकि पीड़ित परिवार का कहना है कि वो गलती से घर में चला गया था, जिसके बाद लोगों ने उसे पीट पीट कर मार डाला। पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत के बाद गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया। किसी बहाने बुलाकर उसका मौत कराया गया है और उसको मारा गया है और मार पीट के, और लेकिन पुलिस इसमें जो है वो कोशिश ये कर रही है कि इसको लीवापोती करके और इसको जो है खत्म कर दे। कांग्रेस नेता शशि थरूर के उस बयान पर सियासी घमासान मच गया, जिसमें उन्होंने 2019 में बीजेपी की सरकार बनने पर भारत के हिंदू पाकिस्तान बनने की आशंका जताई। हालांकि थरूर के बयान से मुश्किल में पड़ी कांग्रेस ने उनसे किनारा कर लिया, लेकिन बीजेपी ने हमला करने का मौका नहीं छोड़ा और इसी बहाने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को भी घेर लिया। कांग्रेस पार्टी बार बार ये गलती कर रही है। राहुल गांधी जी ने हिंदुओं के खिलाफ जिस प्रकार से हिंदू आतंकवाद शब्द का निजात किया था, यूएस के एम्बेसडर को कहा था। इससे पहले शशि थरूर ने तिरुवनंतपुरम में डर जताया था कि केंद्र में फिर से वापसी होने पर बीजेपी संविधान बदल सकती है। इफ दे हैव बीन एबल टू विन अ रिपीट ऑफ देयर
current strength in the Lok Sabha that will create a Hindu Pakistan. शशि थरूर ने बीजेपी की सरकार से लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक संस्थाओं को भी खतरा बताया। लेकिन हिंदू पाकिस्तान शब्द के इस्तेमाल से सियासी पारा चढ़ गया और इससे पहले भी अपने कुछ नेताओं के विवादित बयानों की वजह से कांग्रेस वजीयत झेल चुकी है। इसलिए कांग्रेस ने सतर्कता दिखाते हुए शशि थरूर के बयान से पल्ला झाड़ लिया। शशि थरूर जी ने हिंदू पाकिस्तान की संज्ञा दी है, उससे हम सहमत हैं। उधर शशि थरूर ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए बीजेपी पर फिर हमला बोला और हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर अपना नजरिया साफ करने की चुनौती दी। Does it stand for a Hindu Rashtra? If not, let it say so. If it does say that, I will stop criticizing them on these grounds. शशि थरूर ने यह भी साफ कर दिया कि वो कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, इसलिए उनके बयान का पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। देश भर में ऐतिहासिक धरोहरों की फोटो लेने पर लगी पाबंदी को पुरातत्व विभाग ने हटा लिया है। मंत्रालय ने यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आपत्ति के बाद किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की नई इमारत के उद्घाटन के दौरान फोटो खींचने पर लगी पाबंदी पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद पुरातत्व विभाग की तरफ से आदेश जारी कर फोटो खींचने पर लगी पाबंदी को हटा लिया गया। हालांकि अजंता की गुफाओं और लेह के कुछ हिस्सों में फोटो खींचने पर पाबंदी जारी रहेगी। चीन को परिवार नियोजन के सख्त कानून का नुकसान उठाना पड़ सकता है। चीन में कुछ लोगों का ऐसा ही अनुमान है, जिसके आधार पर चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में रिपोर्ट छापी गई है और दावा किया गया है कि 2050 में चीन की आबादी भारत की कुल आबादी का 65% ही रह जाएगी। रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि चीन लंबे वक्त तक दुनिया के बुजुर्ग देशों की लिस्ट में शामिल रह सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से जिस देश में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की जनसंख्या 10% तक होती है, उसको बुजुर्ग देश कहा जाता है। चीन में अब माना जा रहा है कि बुजुर्ग आबादी बढ़ने का असर विकास की रफ्तार पर पड़ सकता है। 1979 में चीन ने परिवार नियोजन की नीति लागू की थी, जिसके तहत लोगों को केवल एक बच्चा पैदा करने की इजाजत थी, लेकिन 2016 में इसमें ढील दी गई और लोगों को दो बच्चे पैदा करने की इजाजत दी गई। नए अनुमान सामने आने के बाद माना जा रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण के कार्यक्रम पर ही रोक लगाई जा सकती है। चीन दुनिया में जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पर है। 2016 खत्म होने तक चीन की जनसंख्या 138 करोड़ के पार पहुंच चुकी थी। देश भर के निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने पहली बार फीस तय करने का रेगुलेशन बनाया है। इस फीस रेगुलेशन के ड्राफ्ट को NCPCR यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्ट ऑफ चाइल्ड राइट्स ने तैयार किया है, जिसे अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजा जाएगा। ड्राफ्ट के साथ NCPCR ने इसे अक्टूबर से लागू करने की सिफारिश की है। इस ड्राफ्ट में फीस के अलग अलग स्तर तय किए गए हैं और पहली तीन बार गलती करने पर स्कूलों को जुर्माना लगाने का प्रावधान है, और इसके बावजूद स्कूलों ने मनमानी की तो रजिस्ट्रेशन रद्द करने का भी नियम है। संसद में सरकार को घेरने पर शरद यादव ने बैठक की। संसद के मानसून सत्र में सरकार को घेरने के लिए लोकतांत्रिक जनता दल के अध्यक्ष शरद यादव ने एनसीपी नेता तारिक अनवर से मुलाकात की। ऑनलाइन वेब सीरीज सीक्रेट गेम्स में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर विवादित टिप्पणी करने के आरोपों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगी। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करने के आरोप में एमएलसी यासिर रेशी को बांदीपुरा जिला अध्यक्ष के पद से हटा दिया। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में प्रशासनिक टीम को उस वक्त गांव वालों के विरोध का सामना करना पड़ा जब वो खुले में शौच करने वालों को फूलों का गुलदस्ता देने का अभियान चला रही थी। यूपी के आगरा की सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे एक कैदी का शव फंदे से लटका मिला। दिल्ली के वजीरपुर में मामूली विवाद में एक लड़के पर अपने दोस्त की हत्या करने का आरोप लगा। इटली में एक फैशन शो के दौरान मॉडल दीप्ति शर्मा की साड़ी पहनकर रैंप वॉक करने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। खबर है कि सारा अली खान अपने पिता सैफ अली खान के साथ एक फिल्म में नजर आएंगी। ये फिल्म पिता और बेटी के रिश्तों पर आधारित होगी। सुशांत सिंह राजपूत का नया वीडियो सामने आया, जिसमें वो मेकअप करते हुए गिटार बजा रहे हैं। अक्षय कुमार के साथ जल्द ही एक फिल्म में नजर आने वाली मौनी रॉय की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिनमें वो कसरत करती नजर आई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक सड़क पर घुटनों तक भरे पानी के बीच मेयर आलोक शर्मा कुर्सी डालकर धरने पर बैठ गए। आलोक शर्मा ने दावा किया कि बारिश से पहले उन्होंने नगर निगम और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से सड़कों की मरम्मत और नालों की सफाई कराने की मांग की थी, लेकिन आरोप है कि अधिकारियों ने उनकी मांग पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से सड़क पर पानी भर गया। नगर निगम और पीडब्ल्यूडी के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार करते हुए मेयर आलोक शर्मा अपने एक साथी के साथ पानी से भरी सड़क पर कुर्सी डालकर धरने पर बैठ गए। इस बीच वहां से कुछ गाड़ियां भी गुजरी, लेकिन मेयर वहीं डटे रहे। धीरे जा, धीरे धीरे जा, धीरे धीरे।
मेयर आलोक शर्मा ने इस दौरान पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से फोन पर बात करके अपनी नाराजगी भी जाहिर की। बहुत गंभीर स्थिति है, कल मैं चाहता हूँ कि कल भोपाल कंट्रोल रूम में आप बैठक बुलाइए। थोड़ी देर में नगर निगम के कुछ कर्मचारी वहां पहुंचे और एक मशीन की मदद से नाले में फंसे कचरे को बाहर निकालने लगे। मेयर आलोक शर्मा का आरोप है कि पिछले साल हुई बारिश के बाद भी नगर निगम की तरफ से नालों की सफाई का भरोसा दिया गया था, लेकिन एक साल बाद भी कुछ नहीं बदला। इंग्लैंड दौरे पर गई भारतीय क्रिकेट टीम ने मेजबान इंग्लैंड को पहले वनडे मैच में 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम 268 रन पर सिमट गई, जिसके जवाब में भारत ने महज 2 विकेट खोकर सिर्फ 40 ओवर में 269 रनों का लक्ष्य पा लिया। भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने इंग्लैंड के 6 विकेट झटके, जो कि उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, जबकि भारत के लिए रोहित शर्मा ने नाबाद 137 रन बनाए। लंदन में प्रदूषण के बढ़ते खतरे पर की गई एक रिसर्च में दिल्ली के लोगों को लेकर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट जर्नल में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में रहने वाले लोग यूरोप और अमेरिका के लोगों की तुलना में 5 गुना ज्यादा ब्लैक कार्बन ले रहे हैं। इसके लिए दिल्ली में कारों की बढ़ती संख्या को सबसे बड़ी वजह बताया गया, क्योंकि कारों से निकलने वाले धुएं की वजह से दिल्ली के वातावरण में ब्लैक कार्बन की मात्रा दूसरे शहरों के मुकाबले ज्यादा है। रिसर्च में दावा किया गया कि 2010 में दिल्ली में 47 लाख कारें थीं, जिनके 2030 तक बढ़कर 2.5 करोड़ से ज्यादा हो जाने का अनुमान है। रिसर्च में बताया गया कि एशिया के देशों में कार चलाने वाले लोग यूरोप और अमेरिका के लोगों की तुलना में 9 गुना अधिक प्रदूषण झेलते हैं, जबकि यूरोप और अमेरिका की तुलना में एशिया के देशों में भीड़भाड़ वाली सड़कों पर पैदल चलने वाले लोग 1.5 गुना ज्यादा महीन कणों की चपेट में आते हैं। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। गुना में भी लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। झागर के इलाके में नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है, जिसकी वजह से राजस्थान को जोड़ने वाला हाईवे कई घंटों तक जाम रहा। नदी के पानी का बहाव इतना तेज था कि कुछ पेड़ भी पानी के साथ बह गए। थाईलैंड की नौसेना ने श्यांग राय की गुफा में फंसे 12 लड़कों को निकालने का एक वीडियो जारी किया, जिसमें सुरंग से बाहर निकल रहा एक लड़का एक स्ट्रेचर पर लेटा नजर आया। इस अभियान से जुड़े नौसेना के पूर्व कमांडर ने दावा किया कि गुफा से निकल रहे ज्यादातर लड़के नींद में थे, जिसकी वजह से उन्हें स्ट्रेचर पर लपेटकर बाहर निकाला गया। हालांकि अभियान के दौरान किसी को भी ये जानकारी नहीं दी गई कि लड़कों को नींद की हालत में गुफा से बाहर निकाला गया, लेकिन विवाद होने पर प्रधानमंत्री ने लड़कों को तनाव कम करने की दवा देने की पुष्टि की थी। अब बचाव दल के एक सदस्य ने भी ये राज खोल दिया कि बच्चों को गुफा से कैसे निकाला गया। इससे पहले गुफा से सुरक्षित बाहर निकालने के बाद अस्पताल में भर्ती किए गए लड़कों का भी वीडियो जारी कर दिया गया। दावा किया गया कि उन्हें जब अस्पताल लाया गया था तब वो होश में थे। इस बीच लड़कों को बचाने के मिशन में शामिल जवानों के वापस अपने ठिकाने पर लौटने के बाद उनका जोरदार स्वागत किया गया। कांग्रेस के महासचिव अशोक गहलोत ने बिहार में आरजेडी और जेडीयू के साथ गठबंधन को मजबूरी करार दिया है। अशोक गहलोत के मुताबिक आज कांग्रेस को आरजेडी और जेडीयू जैसी पार्टियों के साथ गठबंधन करना समय की मजबूरी है। अशोक गहलोत के इस बयान के बाद आरजेडी ने पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें खुद कांग्रेस की हालत को देखकर चिंता हो रही है। हालांकि बाद में अशोक गहलोत ने सफाई देते हुए कहा कि आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन हमेशा बना रहेगा। हम कैसे कांग्रेस को वापस पूरे बिहार के अंदर मजबूत करें, हमें कोई एलआईसी करना पड़े, आज हमारी मजबूरी हो सकती है आरजेडी से या जेडीए से बात करने की। कांग्रेस पार्टी को निश्चित रूप से ऐसे बयानों से परहेज करना चाहिए, और तो आज तो हर राष्ट्रीय पार्टी को क्षेत्रीय पार्टियों की ताकत को कम कर नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि हर जगह पर क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत स्थिति में, उनसे ज़्यादा जनाधार उनके पास है। बयान की भावना दूसरी थी, और इसको जिस रूप में प्रस्तुत किया जा रहा वो अनावश्यक है। कोई जरूरत नहीं है। लालू यादव जी की आरजेडी और कांग्रेस मजबूती के साथ खड़ी है, आगे भी खड़ी रहेगी।